नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। राजनीति एक ऐसी चीज है जो कभी रुलाती है तो कभी हंसाती है, कभी आपको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाती है तो कभी आपको सत्ता से गिरा भी देती है। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने संकल्प लिया है कि सत्ता में लौटने तक वह आंध्र प्रदेश विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। उन्होंने तेदेपा मुख्यालय में कहा कि जब तक हम लोगों के पास जाएंगे और इसका समाधान करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री संवाददाता सम्मेलन में भावुक हो गए और थोड़ी देर तक रोते दिखाई दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस उन्हें लगातार अपमानित कर रही है। तेदेपा प्रमुख ने कहा कि यह वाईएसआर के अत्याचारी शासन के खिलाफ एक धर्म युद्ध है। मैं लोगों के पास जाऊंगा और उनका समर्थन मांगूंगा। अगर लोग सहयोग करते हैं तो मैं राज्य को बचाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने सदन में भावुक स्वर में कहा कि सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ लगातार इस्तेमाल किए जा रहे अपशब्दों से वह आहत हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पिछले 2.5 साल से मैं लोगों के भले की वजह से अपमान सह रहा हूं, लेकिन शांत रहा। आज उन्होंने मेरी पत्नी को भी निशाना बनाया है। मैं हमेशा सम्मान के लिए और सम्मान के साथ रहा। मैं इसे और नहीं सह सकता। विधानसभा अध्यक्ष तमिनेनी सीताराम ने जब उनका माइक संपर्क काट लिया तब भी नायडू ने बोलना जारी रखा। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने नायडू की टिप्पणी को नाटक करार दिया। कृषि क्षेत्र पर एक संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने निराशा व्यक्त की। बाद में उन्होंने अपने कक्ष में पार्टी के विधायकों के साथ अचानक बैठक की, जहां वह कथित तौर पर अत्यंत भावुक हो गए। तेदेपा के स्तब्ध विधायकों ने नायडू को सांत्वना दी, जिसके बाद वे सभी सदन में वापस आ गए। नायडू ने तब अपने फैसले की घोषणा की और कहा सत्ता में लौटने तक वह विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। बाद में सदन में पहुंचे मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि विपक्षी नेता का व्यवहार और शब्द नाटक के अलावा और कुछ नहीं है। रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू हर चीज से केवल राजनीति लाभ लेना चाहते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उनका नाटक सभी को दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं उस समय सदन के अंदर नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, चंद्रबाबू नायडू हताशा में है। यह न केवल मुझे बल्कि राज्य के सभी लोगों को भी पता है। राज्य के लोगों ने उन्हें खुले तौर पर खारिज कर दिया है। यहाँ तक कि उनके कुप्पम निर्वाचन क्षेत्र में भी लोगों ने उन्हें अकल्पनीय रूप से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाईएसआरसी के विधायकों ने परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ नहीं कहा। रेड्डी ने कहा यह खुद चंद्रबाबू थे जिन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों के बारे में बात कही थी और हमारी तरफ से उनके परिवार का कोई संदर्भ नहीं था। सदन के रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से साबित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेकिन खुद चंद्रबाबू नायडू ने आवश्यकताओं से अधिक प्रतिक्रिया की तथा भावुक हो गए, और न सिर्फ यह बल्कि उन्होंने एक संकल्प भी ले लिया है, लेकिन अंततः ऊपर से भगवान सब कुछ देख रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।